हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ला रही हूँ आपके लिए एक ऐसा एनुअल हार्डी पौधा जो 1.2 मीटर की हाइट में बढ़ता है और उसे हम मुर्गे की कलगी भी कहते हैं। क्या आपने पहचाना दोस्तों ये पौधा कौन सा है? ये पौधा है कॉक्सकॉम या सेलोसिया। इसे हिंदी में गरखा या मखमली फूल भी कहा जाता है। कन्नड़ में से अन्य सोपू भी कहते हैं और मराठी में कुर्दू या कुर्दा या मोरचेंडिया या कोमड़िया भी कहते हैं। राजस्थानी में गरखा, इमरती और संस्कृत में मयूर शिखा, रुद्र जाता, तमिल में मिक्किली के किराई या पन्नाई किराई कहते हैं, नेपाली में सीता भारका या सीता वर्का कहते हैं। मतलब एक पौधा कई नाम। क्या आप जानते हैं सिल्वर कॉक्सकॉम को वूल फ्लावर या ब्रेन सेलोसिया या कलर्ड ब्रेन भी कहा जाता है। इनका स्ट्रक्चर ब्रेन जैसे दिखता है और ये कई रंगों में आते हैं। ये रंग बिरंगे एक साथ जब फूल खिलते हैं तो आग के रंग जैसे दिखते हैं, इसलिए इनका नाम सेलोसिया पड़ा, जिसका मतलब ग्रीक भाषा में जलना होता है। ये और ऐसी ही जानकारी मैं लाऊंगी इस पूरे वीडियो में, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, कहीं कोई जानकारी कॉक्सकॉम के बारे में छूट न जाए। दोस्तों, कॉक्सकॉम का कॉमन नेम सिल्वर कॉक्सकॉम या वाइट कॉक्सकॉम या वीट सेलोसिया या फ्लेमिंगो फेदर भी है। इसका बोटानिकल नाम सेलोसिया अर्जेंटिया है। ये अमरान्थेसी फैमिली से संबंधित है और ये पौधा भारत, नेपाल, भूटान, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, कोरिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, हिमालयन और वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, यानी कि एशिया के नेटिव्स हैं। कॉक्सकॉम की लगभग 60 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि एनुअल भी होते हैं और कुछ पेरिनियल भी होते हैं। पूरी दुनिया में इसकी 900 से भी ज़्यादा स्पीशीज है और 131 ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। लाइफ साइकिल इनकी एनुअल है। इन्हें हम बीज से उगा सकते हैं और स्टेम से भी। इसे तो आप साल भर उगा सकते हैं जहाँ थोड़ी वार्म और हॉट क्लाइमेट हो। जहाँ ठंडी जगह है वहाँ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्हें हॉट और ड्राई क्लाइमेट पसंद है। इन्हें आप जनवरी, फरवरी या जून जुलाई या सितंबर, अक्टूबर में उगा सकते हैं। मिट्टी का टेम्परेचर एटलीस्ट 64 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, तो कॉक्सकॉम के सीड जर्मिनेट करते हैं। इसलिए आप जर्मिनेशन या बीज लगाने के बाद धूप में रखिए। इसकी बीजें 5 दिन से 2 हफ्तों में जर्मिनेट करती है। सेलोसिया बहुत ही इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये सेल्फ सीडिंग पौधा है, ये साल भर चल जाते हैं, फिर से रीसीडिंग करके लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। सेलोसिया क्रिस्टाटा वेराइटी 3 महीने में फ्लावर देने शुरू कर देते हैं और प्लूमोसा वेराइटी 60 दिनों में फ्लावरिंग पर आ जाती है। कॉक्सकॉम को फुल सनलाइट पसंद है, यानी कि पूरी गर्मी के सीजन फूल देते रहेंगे। यह हल्का सा शेड भी चलेगा। ये फुल सनलाइट में अच्छे से ऊंचे ऊंचे ग्रो करते हैं। इन्हें मॉइस्ट मिट्टी ही पसंद है। थोड़े समय के लिए ये सूखा बर्दाश्त कर सकते हैं, पर ये अच्छे से ग्रो करते हैं जब मिट्टी मॉइस्ट हो। पानी देते समय ध्यान रखिए ओवर वाटरिंग न करें, ताकि लीफ स्पॉट, स्टेम रॉट, रूट रॉट और फंगल डिजीज से बचा जा सके। पत्तियाँ इनकी सिंपल ओवेट यानी बेस में चौड़ी और अपेक्स में टेपरिंग होती जाती है और स्टेम पर इनकी अरेंजमेंट अल्टरनेट होती है और ये 4 से 4.7 इंच की होती है। इनमें 2 तरह के फ्लावर्स आते हैं, एक है फेदरी प्लूमोसा ग्रुप और एक है कॉक्सकॉम जो कि ब्रेन जैसे दिखते हैं, क्रिस्टाटा ग्रुप। कॉक्सकॉम में कलरफुल फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि पीला, गुलाबी, लाल और गोल्ड कलर। इनकी कई वेराइटीज़ हैं। सेलोसिया अर्जेंटिया ये ट्रॉपिकल एशिया के नेटिव्स हैं। ये 1 मीटर की ऊंचाई तक ग्रो करते हैं। फूल इनके बहुत ही कलरफुल और ब्राइट होते हैं और 6 से 8 हफ्तों तक ये फूल चलते हैं। सेलोसिया क्रिस्टाटा, इसे ची कुआन भी कहते हैं चाइना में। ये रेड, येलो, वाइट रंग में आते हैं। सेलोसिया प्लूमोसा, ये 40 सेंटीमीटर ऊंचे ग्रो करते हैं। इसके फूल सुखाकर डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके फूलों का रंग कई दिनों तक वैसा का वैसा ही रहता है। सेलोसिया कैरेकस, इनके फूल पिंक और पर्पल रंग के होते हैं,
पत्तियाँ इनकी ओवल शेप में होती है। इन्हें कट फ्लावर के रूप में यूज करते हैं। सिलोसिया की कई प्रजातियां हैं, तो आप लोकल नर्सरी से चेक कर सकते हैं। इनके फूल और पत्ते खाने के उपयोग में आते हैं। कई देशों में जैसे वेस्ट अफ्रीका या साउथ ईस्ट एशिया, इनका उपयोग साबुन बनाने में भी होता है। इसका ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह उपयोग भी होता है। इनके फूलों को कट फ्लावर की तरह उपयोग करते हैं, यानी कि फूलों को कट करके फ्लोरल अरेंजमेंट करते हैं, या ड्राइड फ्लावर को ड्राइंग रूम में सजा सकते हैं। तो सेलोसिया एक बेहद ही खूबसूरत पौधा, बीज से ग्रो कीजिए अपने गार्डन में या नर्सरी से लाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत फूलों से सजाइए। साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको अब तक मैंने जो फूलों की जानकारी डाली है उनमें से कौन सा फूल पसंद आया। आगे आने वाले वीडियो में आप कौन से फूलों पर जानकारी चाहते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। शेयर करें अपने दोस्तों से। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर और लाइक करें मेरे फेसबुक पेज पर। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।